हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नीट इन्फो। तो आज के वीडियो में अपन बात करते हैं राजस्थान की काउंसलिंग के बारे में, जिसपे काफी दिनों से स्टे लगा हुआ था और कोर्ट में उसको लेके काफी दिनों से केस चल रहा था। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि किस चीज के लिए केस चल रहा था। तो केस इसलिए चल रहा था कि जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद काफी सारी सीट्स वैकेंट रह गई थी, और जिन लोगों को एडमिशन मिल चुका था सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, उन लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाए और अपनी सीट अपग्रेड करा पाए। इससे क्या हुआ, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ऑप्शन था जिनके मार्क्स कम थे और उनको सेकंड राउंड तक कुछ भी नहीं मिला था, उन्हीं लोगों के पास ऑप्शन था कि वो नए कॉलेजों में सीट ले पाए जो सीट्स वैकेंट रह गई थी। तो इससे क्या हुआ कि जो कम मार्क्स वाले हैं उन बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिल गए, कम मार्क्स वाले बच्चों को गवर्नमेंट फीस पे गवर्नमेंट सीट मिल गई, और जो ज्यादा मार्क्स वाले थे उनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ और वो फिर भी पेमेंट सीट पे थे। तो काफी केस चला इस पे, काफी लोगों ने केस किया, हाई कोर्ट में केस चला, जिससे कि जो मॉपअप राउंड पहले वाला मॉपअप राउंड था उसको कैंसिल भी कर दिया गया था। कोर्ट में केस चल रहा था कि आगे कैसे करना है काउंसलिंग प्रोसेस को, आगे कैसे प्रोसीड करना है, तो इस चीज को लेके केस चल रहा था। तो आज उसका फाइनल डिसीजन आ चुका है। जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि बच्चों के फेवर में कोर्ट डिसीजन देगा, वैसा ही हुआ, कोर्ट ने स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन दिया। और अब जो नया मॉपअप राउंड है, जो रिवाइज मॉपअप राउंड होना है, वो मॉपअप राउंड होगा अब 24 और 25 अगस्त को, और आज 22 अगस्त को उसके लिए जो मेरिट लिस्ट है, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, वैसे तो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जिनको सेकंड राउंड तक कॉलेज मिल गया था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, फिर भी एक जो मेरिट लिस्ट है उनकी मेरिट लिस्ट आज राजस्थान की काउंसलिंग की साइट पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में फिर आपको 23 तारीख मतलब कल आपको एक फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको बेसिकली अपनी चॉइसेस फिल करनी होंगी कि आपकी कौन कौन सी चॉइसेस हैं जो अपग्रेड करवाना चाहते हैं कॉलेज। तो और इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल चुका है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो अपने कॉलेज से संतुष्ट है, अगर उनको नीचे ही कॉलेज की उनको अपग्रेड नहीं करवाना कि हम तो जिस कॉलेज में है हमको वही वाला कॉलेज चाहिए, तो उन बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। उनको ये जरूरी नहीं है कि वो रिवाइज मॉपअप राउंड में SMS मेडिकल कॉलेज में जो होने वाला है उसमें आए। तो ये वाली चीज थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कट ऑफ के बारे में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दो वीडियो बना रखे हैं राजस्थान की काउंसलिंग में कॉलेज वाइज कट ऑफ कितने मार्क्स तक मिल सकता है कॉलेज। सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो बनाया था 6 जून को, जिस दिन नीट का रिजल्ट आया था उसके जस्ट अगले दिन बताया था। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था सेकंड राउंड जो काउंसलिंग का रिजल्ट आया था उसके बाद में, जिसमें मैंने कंपेयर किया था कि जो मैंने बताई थी कट ऑफ और जो एक्चुअल में रही उसमें कितना डिफरेंस रहा। तो मैं आपको जैसे बता देता हूँ, जैसे मैंने बेसिकली मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मैंने SMS की बताई थी आपको 638 से 642 और गई थी 641, तो अब उसी रेंज में रहेंगी कट ऑफ। जैसे मैंने 641 बताई थी तो अब 638 या 639 ये कट ऑफ रहने वाली है SMS की। और कुछ कॉलेजेस की कट ऑफ बड़ी क्लोज रही थी, जैसे मैंने आपको जोधपुर की बताई थी 613 से 617, जबकि रही थी 619, 2 मार्क्स ज्यादा रही थी और मैंने जो बताया उस रेंज के अंदर नहीं आ पाई थी। उसका बेसिक रीजन यही था, काउंसलिंग ठीक से नहीं हो पाई थी। अब जो जैसे मैंने बताया कि आपको जो 613 से 617 बताई थी रही 619 थी, तो अब वो उसी रेंज में आ जाएगी। तो आप एक बार वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा उसका लिंक, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल दिया है, वो आप पुराने दोनों वीडियोस देख सकते हैं, उससे आप अपने जो अब कॉलेज आपको मॉपअप राउंड में मिल सकता है उसका अनुमान लगा सकते हैं आप कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। और जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है, मैं जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, जनरल की जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है वो यही अप्रोक्स होगी 579 प्लस माइनस 1 मार्क्स होगी, मतलब 578 से 580 मार्क्स तक, गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो वो यही 578 से 580 मार्क्स तक होगी, क्योंकि इतना कोई ऐसा जितना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा सभी लोगों को होगा। मैं बता देता हूँ आपको किस किस तरीके से लोगों को इस मॉपअप राउंड से फायदा होगा। फायदा सभी लोगों को होगा, जैसे अपन बात करते हैं 581 से और 640 वाले मार्क्स वाले बच्चे, मतलब जिनको गवर्नमेंट सीट तो मिल चुकी थी जो राउंड सेकंड हुआ था उसके बाद, गवर्नमेंट सीट तो उनके पास थी, पर उनको अब उनकी इस मॉपअप राउंड होने से ये होगा कि उनकी कॉलेज इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे नए कॉलेज में कुछ बच्चे हैं उनको पुराने कॉलेजेस मिल जाएंगे, झालावाड़ कोटा तक वो पहुंच जाएंगे, और जो लोग पुराने कॉलेजों में ऑलरेडी थे तो वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी उनको अच्छा कॉलेज लगे वो कॉलेज ले सकते हैं। जैसे जो उदयपुर में थे वो लोग अब जोधपुर बीकानेर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जिनके 580 मार्क्स थे, 581 मार्क्स थे, 579 मार्क्स थे, जिनके मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो वो बच्चे जिनको 578 तक जिनके मार्क्स थे उन्होंने या तो पेमेंट सीट ले रखी थी या फिर उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने कोई सी सीट नहीं थी उनके पास,
अब उन लोगों के चांसेस है उनको गवर्नमेंट फीस पे गवर्नमेंट सीट मिलेगी। और इसके बाद बात करते हैं जो पेमेंट सीट, जो जिन लोगों की अब वैकेंट हो जाएगी सीट्स पेमेंट की, मतलब वो गवर्नमेंट में अपग्रेड हो जाएगी जिन लोगों की, तो उनकी जो बची कुछ सीटें हैं वो वैकेंट हो जाएंगी। अब वो सीटें जो पेमेंट की वैकेंट हो जाएंगी उससे पेमेंट की कट ऑफ भी कम जाएगी, मतलब पेमेंट जिन लोगों को अब पेमेंट सीट चाहिए उन लोगों को नए अलॉटमेंट होंगे पेमेंट सीट के लिए। तो इससे मॉप अराउंड होने से इस तरीके से सब लोगों का फायदा। और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो लोग कैसे भी नीट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पे आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, या फिर कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको नीट की उससे रिलेटेड हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।